प्रदेश में छह चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न होने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भाजपा और एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसीलिए जनता फिर तीसरी बार मोदी जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बना रही है। सबसे बड़ी जीत किस सीट पर मिलने के सवाल पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बना रही है, बाकी तो मशीनों में है, लेकिन ये सब भारी अंतर से जीत रहे हैं। इसी क्रम में कमलनाथ की स्थिति जानने का सवाल पूछे जाने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। एक तो कमलनाथ जी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, वहीं कांग्रेस में आज कोई रहना ही नहीं चाहता, इसलिए छिंदवाड़ा सीट भी हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। वहीं राजकोट अग्निकांड मामले पर उन्होंने कहा कि मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और बहुत अत्यंत दुखद है, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। स्थिति बहुत दयनीय है उनकी। एक तो कमलनाथ जी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई, बीच में जो चर्चा चली कि वो स्वयं बीजेपी में आना चाहते हैं तो कौन कांग्रेस में रहना चाहेगा, कांग्रेस में आज कोई रहने ही नहीं चाहता, और इसलिए छिंदवाड़ा सीट भी हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं।